नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबा जी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांश और आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाएं। जी हां, अपने फ़ोन से ही ब्लॉग कैसे बनाएं फ्री में बिना किसी चार्ज के और इससे कैसे पैसे कमाएं, अर्निंग इससे कैसे होती है, इन सब टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और एक बात और बता दूं आप लोगों की, कल रात को मतलब 3 जनवरी 2019 के रात को मैंने बताया था कि जो मेरी वीडियो की टाइम है, पब्लिश होने की जो टाइम थी, रात के 10 से 11 के बीच में थी, उस टाइम को मैंने घटा दिया है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोगों का कहना था कि जो आपकी वीडियो आती है वो रात को आती है, उस टाइम तक हम लोग बहुत नहीं देख पाते हैं, सो जाते हैं, नोटिफिकेशन आपके वीडियो का आता है तो उस समय बहुत लेट हो चुकी होती है, तो आप अपने टाइम कम करिए। तो मैंने आज से जो आज 4 जनवरी 2019 से जो अपने वीडियो का टाइम है पब्लिश होने का वो कम कर दिया, 7 शाम के 7 से 8 के बीच में आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो क्रोम में जाइए, ये खुल के आ जाएगा क्रोम पेज। हम देखिए, ये मेरा यहाँ क्लिक कर लीजिए, यहाँ मैंने टेक्निकल बाबा जी से ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैंने चलिए टूरिस्ट बाबा जी मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, मैं इस पर बना लेता हूँ। इस पर आइए, अब नीचे देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है उसके बगल में एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा तो अकाउंट, असिस्टेंट, सर्च, मैप, यूट्यूब प्ले, न्यूज़, जीमेल अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर, गूगल प्लस, ट्रांसलेटर, फोटो, और यहाँ नीचे देखिए शॉपिंग, डॉस, बुक्स, नीचे बढ़िए ब्लॉगर, यहाँ ब्लॉगर पे क्लिक करिए। एकदम मैं इजी तरीका बताऊंगा फ्री में आसानी से अपने फ़ोन में कैसे बता सकते हैं। नेट स्पीड पे डिपेंड करता है, थोड़ा नेट स्पीड स्लो है। ये देखिए मेरा ऑलरेडी इस पर बना हुआ है, मैं इस पेज को, एक मिनट, ये मेरा टेक्निकल बाबा जी वाला खुल गया है, मैं इसको जूम करके यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ से मेरा करना है इस पर कर देना है। मैं नेट स्पीड थोड़ी स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और इसमें एकदम इजी तरीका मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में आसानी से कैसे बना सकते हैं कोई भी ब्लॉग। ये खुल गया, ये देखिए वेलकम टू ब्लॉगर। अब ये देखिए यहाँ पे आपको खोलिएगा अपने जीमेल आईडी से, यहाँ देखिए टूरिस्ट बाबा जी से खुल के आया, मेरा एक चैनल है टूरिस्ट बाबा जी यूट्यूब पे, मेरा जीमेल अकाउंट है उससे आया। यहाँ देखिए डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आप जिस ब्लॉग प्रोफाइल नाम देना चाहते हैं, मेरा नाम सुधांशु सिन्हा है, मैंने पहले ही बताया था, तो चलिए मैं अपने नाम से ही बना देता हूँ। यहाँ देखिए कंटिन्यू टू ब्लॉगर, यहाँ कंटिन्यू करिए, ये कंटिन्यू होएगा, थोड़ा प्रोसेस होगा। ये मैं आपको फ़ोन में बनाने को बता रहा हूँ कि ईजी कैसे बना सकते हैं। अब ये देखिए आपका वो तो बन गया नाम से, अब क्रिएट अ ब्लॉग, वो ब्लॉगर हो गए आप, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था क्रिएट अ ब्लॉगर, आप अब ब्लॉग कैसे बनाएंगे, क्रिएट अ ब्लॉग करिए। ये ब्लॉग का टाइटल क्या देंगे, चलिए मान लीजिए आप इसके बारे में, मतलब मैं टूरिस्ट, जो भी आप मतलब दे सकते हैं टाइटल में, आपको सब टाइटल जो टाइटल देना है, मान लीजिए मैं टेक्निकल से जुड़ा हूँ तो टेक्निकल दे देता हूँ, टेक्नोलॉजी दे देता हूँ, चलिए टेक्नोलॉजी देता हूँ। एड्रेस में अब क्या दोगे आप, ये जो एड्रेस मिलेगा आपको ये इम्पोर्टेंट करता है कि आप एड्रेस क्या देते हो। चलिए मैं ये टेक्नोलॉजी दिया मैंने, TECHNO.blogsupport.com, ये चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी, ये चेक कर रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ से आपको चेक करना होगा कि आपका ब्लॉग एड्रेस, मैं चलिए मैं 2019 चल रहा है, मैं 19 लगा के देखता हूँ क्या होता है, दिस ब्लॉग एड्रेस इन वैलिड नॉट सपोर्टेड, यहाँ पे इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जल्दी नहीं लेता 2019, चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी, सॉरी यहाँ मैं अपना नाम ही डाल के देखता हूँ, SUDHANSH अवेलेबल है, यहाँ इसकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ यही इसी में प्रॉब्लम होता है। ये मैं सुधांश सिन्हा करके देखता हूँ,
दिस ब्लॉग एड्रेस इज वैलिड, मतलब मेरा जो ब्लॉग एड्रेस हो गया, अगर कोई गूगल पे जाके आपके सर्च करेगा सुधांशना, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ blogspot.com, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो कोई पेज थंबनेल पे वो जो क्या होता है थीम लगा सकते हैं। चलिए मैं कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं कोई थीम, कौन सा थीम सही है, मान लीजिए ये फूड का है, ये मान लीजिए ये थीम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ नीचे आते हैं, अब यहाँ क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करिए, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करिएगा, ये आपका लोडिंग हो रहा है, यहाँ देखिए ऊपर लोडिंग हो रहा है। अब आप एक ब्लॉगर हो गए, नो थैंक्स कर दीजिए। अब ये देखिए मैंने हेडिंग डाली थी, सबटाइटल में टेक्नोलॉजी, यहाँ सुधांशु सिन्हा किया था, सब सर्च करने के लिए वो मैंने वो दिया था। अब यहाँ से देखिएगा ये आपका टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी आईडी से नया ब्लॉग बनाना तो न्यू ब्लॉग करके कर सकते हैं, एक आईडी से आप चाहें जितनी ब्लॉग बनाना बना सकते हैं। अब ये देखिए इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या मिलते हैं, ये देखिए पोस्ट ऑल स्टार्ट कमेंट्स अर्निंग, अर्निंग क्या होती है, आप जो मतलब अगर कंटिन्यू एक टाइम है आप हर बार हरदम आते हो इस पे, ब्लॉग लिखते हो, अगर इस पे आप ब्लॉग पे लिख सकते हो कोई भी, अगर किसी चीज़ में स्पेशल हो, कोई चीज़ आपका यूनिक है कि इसके बारे में लिख सकते हो, कोई बुक लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं, किसी फूड अगर आप रेसिपी लिखते हैं फूड के, यूट्यूबर हैं, टेक्निकल से रिलेटेड हैं, टेक्निक उसके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर नए यूट्यूबर हैं चाहे यूट्यूबर हैं तो वहाँ का लिंक भी दे सकते हैं आप, क्योंकि आपके ब्लॉग से कोई भी आपके यूट्यूब पे जाकर देख सकता है, उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने उसमें क्या अब लिखेंगे कहाँ पे। यहाँ देखिए जूम करके बताता हूँ मैं, न्यू पोस्ट पे क्लिक करिएगा, न्यू पोस्ट थोड़ा लोडिंग होगा, लोडिंग हो रहा है, देखिए टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लग गया। अब ये देखिए आ गया, पोस्ट टाइटल जो देना है आपको दे दीजिए, पोस्टिंग एज मैं सुधांशु सिन्हा हूँ, या मेरा नाम लिख के आ रहा है जिस नाम से मैंने बनाया है। यहाँ से आप जो चाहें फॉन्ट लगाना, बोल्ड करना, वर्ड चेंज करना, आप चाहें तो फोटो वीडियो स्टिकर सब ऐड कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से मतलब एक अगर सिस्टम में कभी वर्ड पे काम किया होगा आपने तो आपको पता होगा इसमें सब चीज़ आती है। देखिए मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ लिखा जा रहा है, तो जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और पब्लिश कर दीजिए, पब्लिश हो जाएगा। अब इस पे अर्निंग कैसे होती है, तो मैंने बताया था जो मेरा थंबनेल है उसमें बताया था कि अर्निंग के बारे में भी लिखा है, तो अर्निंग तब होगी आपके जब हो जाएंगे अच्छे खासे ब्लॉग्स पे, आपके पोस्ट हो जाएंगे, आपके व्यूवर्स अच्छे खासे आएंगे, तो आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से ऐड दे सकते हैं। इस पे ऐड आने जब लगेंगे आपके ब्लॉग पे तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं, गूगल एडसेंस से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम से कम 10 पोस्ट होने के बाद। कंटिन्यू रहिएगा इस पे भी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया आज कि फ्री में ब्लॉग कैसे बनाएं, आपका ब्लॉग बन के तैयार हो गया, देखिए मैंने टेक्नोलॉजी से बनाया था, टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बन के मेरा तैयार हो गया। आप चाहे जिस फील्ड का बनाना बना सकते हैं, ब्लॉग लिखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लिखना चाहिए ब्लॉग सबको। धन्यवाद, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।